हेलो फ्रेंड्स, आज आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सोयाबीन की सब्जी एक नए तरीके से बनाने जा रहे हैं। इसके चलो चलिए तो इस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधी कटोरी चार लोगों के हिसाब से सोयाबीन को गलाने के लिए रख दिया था, भिगो कर रख दिया था करीब 3-4 घंटे के लिए। ये फूल कर पूरा कटोरी तक हो गई थी। मैंने इनका पानी निकाल लिया है और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं कैंची से। चलिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। ये मेरा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें इन सोयाबीन को डाल देंगे। हमें इस तेल में कुछ भी नहीं डालना है। 3-4 चम्मच मैंने तेल लिया है करीब। अब इसमें हम इन सोयाबीन को डाल देंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सोयाबीन को एक कढ़ाई में डाल दिया है। हमें इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी भुनकर सोयाबीन तैयार हो चुकी हैं। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना है। अब हमने इस कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच तेल डाला है। इसको हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। हमारा ये तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें जीरा डालेंगे। ये हमारा जीरा हो चुका है। अब हम इसमें तेज पत्ता डाल रहे हैं। अब हम कढ़ाई में इसको पेस्ट को डालेंगे। इसमें मैंने 3 बड़ी प्याज ली हैं, 3-4 हरी मिर्च और 10-12 लहसुन की कलियां, 2 टमाटरों को पीस लिया है। अब हम इसको डालेंगे इस कढ़ाई में। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आप चाहो तो पीसने में भी मसाले डाल सकते हो। लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होती है। जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ रहा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे, ग्रेवी को चलाते रहेंगे। इसमें आप अदरक कसकर या पीस कर भी डाल सकते हो। थोड़ी देर तक ढककर पकाएंगे। मैंने ये सब्जी 4 लोगों के हिसाब से बनाई है। आप 1, 2, 3, 4 या अपने हिसाब से बना सकते हो। इस ग्रेवी को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। 5-10 मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रेवी हमारी पककर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कि तो अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें ये आधी कटोरी दही डाल देंगे और 1 चम्मच मलाई। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसे भी 5 मिनट तक पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें सोयाबीन को डाल देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अभी आधी सोयाबीन डाली है, आधी आधी करके डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारी सोयाबीन डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इस सब्ज़ी को थोड़ी देर और 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मलाई डाल दी है। आप इसमें काजू भी तड़का डाल सकते हो। ये सब्ज़ी फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।